और अल्लाह ही की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज को शरीक न बनाओ। और माँ बाप और कराबत वालों और यतीमों और नादारों और रिश्तेदार हमसायों और अजनबी हमसायों और पास बैठने वालों और मुसाफिरों और जो लोग तुम्हारे कब्जे में हों सबके साथ हुस्न सुलूक करो। बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वाले बड़ाई मारने वाले को दोस्त नहीं रखता, जो खुद भी बुख़ल करें और लोगों को भी बुख़ल सिखाएं। और जो माल अल्लाह ने उनको अपने फजल से अता फरमाया है उसे छुपा छुपा के रखें। और हमने काफिरों के लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। और जो खर्च भी करें तो अल्लाह के लिए नहीं बल्कि लोगों के दिखाने को। और ईमान न अल्लाह पर लाएं न रोजे आखिर पर। और जिसका साथी शैतान हुआ तो कुछ शक नहीं कि वो बुरा साथी है। और अगर ये लोग अल्लाह पर और रोजे कयामत पर ईमान लाते और जो कुछ अल्लाह ने इनको दिया था उसमें से खर्च करते तो इन पर क्या मुसीबत आ पड़ती। और अल्लाह इनको खूब जानता है। अल्लाह किसी की जर्रा भर भी हक तलफी नहीं करता। और अगर किसी ने नेकी की होगी तो उसको कई गुना कर देगा और अपने हाथ से अजर अजीम बख्शेगा।